प्रेम जी ने जान खान साहब जो पंचायत में खड़ा के भरोसा मन माना है पंचायत में उठना वार के खड़ी हो गया वो कौन सा गुण होता है तो ये एक गुण है तुम्हारे अंदर तुम्हारे से औलाद चल जाती है कुटुंब परिवार चल जाता है यदि तुम मर्द के साथ बुरा करती हो तो बताना क्या है बताऊंगा पनियारियो महाराज क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो कि मैं शादी नहीं कराता तो तुम मुझे हिजड़ा समझती हो बिल्कुल महाराज तुम जैसा के है शादी क्यों नहीं कराते इतना बलवान आदमी बगैर हथियार शेर की शिकार करे और तू शादी क्यों नहीं कराता देखो आइंदा तुम्हारी जबान से ये बात मैं कभी भी ना सुन नहीं तुम्हारी कर दूंगा महाराज को भी शादी करवा लिए नहीं काम नहीं होता अब वो क्या काम करता है वो पनियारियों से ताना देती है कि देखो इस उम्र में महाराज नौजवान है मर्द भी बहुत है बगैर हथियार शेर का शिकार करता है शादी नहीं कराता अब वो दिल में सोचता है कि तू तो शादी इसलिए नहीं कराता कि तुझे कहानी और आवेगी मगर दुनिया तो तुझे इजरा समझती है अब अपने पिता के दरबार में जाता है उससे बातचीत करता है उसकी उदासी देख के उसका पिता कहता है लड़के क्या बात है क्यों उदास है हाँ पिताजी आदर भाई साहब क्यों उदास है क्या मतलब है भाई साहब हाँ पिताजी क्यों उदास है भाई साहब क्या किसी ने कुछ कह दिया अरे मैडम जी किसी ने पिताजी मैं क्या बताऊं क्या बात है कुछ कहने की बात नहीं कहे बगैर आ भी नहीं जाता तो कौन सी बात है मेरे सामने पेश करता हूं आपके सामने मुझे शर्म आती है कोई कहने की बात नहीं कहे बगैर आ भी नहीं जाता मेरे सामने शर्म आती मेरे सामने कहते भाई कान में कोई और कोई सुनेगा और फिर मेरे सामने बता दू मेरी बात सुनो पिताजी सुना क्या बात है भाई Oh, yeah.
भीतर शादी कर दे तय कर दे कितने ऐसा सुन क्या भीतर बच्चा कित करूं भाई साहब पर तुम्हारा का तो घर ही नहीं रहा और फटाफट रखता उठा कर जाए तू बरबर के बात हो मैं तो सबर ना दिया अब मैं साथ शादी कर दूंगा फिर पता करो पता करूं हाँ शादी जरूर करनी पड़ेगी पिताजी नहीं तो मैं कतारी खा के मर जाऊंगा दरबार में भाई साहब थोड़े लगता एक और काम कर दूं फिर शादी न कर सकता और क्या जा निर्भा कैसी बात करते हो अच्छा फिर जाति की तैयारी करूं हाँ अच्छा भाई साहब आपके दफ्तर आपको क्या काम करता है राजा करण सिंह दोबारा खबर करता है राजे महाराजों के पास तमाम राजे इनकार कर जाते हैं कि जब आपका लड़का इनकार हो गया तो हम अपनी लड़की नहीं देते अब एक सोही नगर का था राजा मान सिंह जिसकी छोटी सी हुकूमत थी जिसकी लड़की का नाम था चंदा शहजादी उसके साथ शादी मुकर हो जाती है और बांध तेल की तैयारी हो जाती है अरे नाई के हजूर के माँ बाप ऐसे पागल सीधी तरह बात क्यों नहीं करता हजूर के माँ बाप आगे क्या बात है जाओ हमारे शहर में सगी सहेलियों से जाओ बांध तेल की तैयारी करेंगे हेलो अब तो भाई साहब ने काम में छोड़ दिया ईद के करने लग गया ईद तो भाई साहब खतरा करने लगे निर्भाग फिर दोनों तरफ का नहीं एक जगह से जाओ जरूर जाओ हाँ जाओ अच्छा भाई साहब आता हूँ किसके मोहल्ले में रहूं मुसलमान के मोहल्ले में हिंदुआ के मोहल्ले में तो सबने बुला के सबने बुला के हाँ भाई ध्यान खुदा पहला गया और ना के हिंदुआ के मोहल्ले में फुटर गया ए राखी मत सली मत गैर गुंदर हाँ होता हूँ अरे ताऊ का नहीं घरा रखूंगा क्यों आया आज ये लड़के पदम सिंह की शादी की तैयारी है और तुमने देखा भी क्या है आप क्या है कितने दिन का है सत्या ज्यादा तो धनंजन भाग मारे का आज खबर क्यों थी थोड़ी बस बात ना क्यों बात दिखा दिया था कुछ होता है छोटे से दिखा किस तरह अध्यानित हम ऊपर अध्यानित हम ऊपर बस नीचे नहीं आया नीचे नहीं आ सकता बस चलो अभी बात सुनता हूँ मैं तो नहीं चलती क्योंकि बात मेरा तो छोरा रो छोरा रो सर मेरे छोरे का इलाज बताऊ हाँ बता मेरे बाप से बैग दिखा तेरे थोड़ा मारने और तुम्हें कैसे ये काम करो फिर आए तू पूरे काम से अच्छा तो उसको बराबर तैयारी करो या फिर मुसलमान ने के मोहल्ले में तोड़ फिर फिर सारी इकट्ठी होकर चलेंगे तो तुम्हें कुछ खबरा मालूम फिर मेरे बाप गाँव के बजाव से चलना चाहे छाती का काम गाँव को बताओ मैदान खुदा फैला गया और नारी का टुकड़ा लेकर डाल के मुसलमाना के मोहल्ले में आ गया मल फली मल गया थोड़ी हराम कर दी क्या बात है क्या आए आप तो कुछ नहीं बचा फिर हमारे पास खाली क्या लेना आया शादी की वजह पद्म सिंह की शादी की तैयारी करो शादी हाँ कमाई थी हो गए सारी की कुछ होगी अच्छा चलो चलो बराबर Thank you.
पिताजी आप भाई साहब चलो बरात की तैयारी करो। बरात की तैयारी? हाँ बरात की तैयारी करो। तेरे तमाम भाई रूस से बैठे नमन आने। कौन से भाई रूस से बैठे? पूछिए देख सारे नाराज हो रहे थे तो भाई साहब कह रहे किसी का सलाह मशवरा भी नहीं लेता तमाम तो काम अपने आप कर लेते। और भाई साहब सलाह मशवरा इनका नहीं लेंगे बिल्कुल भी। क्यों? इनने मेरे तो भेजी थी। क्यों भेजी थी? अभी नहीं। और इनसे इन तो रूट दूंगा। क्यों? इनने मेरे तो भेजी थी भाई। ठीक है चलो मनाओ। के सजता कदम सिंह की बरात कर ली कदम सिंह की बरात कर ली बाबू और खलार गहर सार सबको वैर
जल्दी फेरे करवा दे तारीख ना करे। तो
और चावल नहीं भाई, थोड़ी सी मरीज समझाओ पर इतना दो काम हो थोड़ी सर, समझाने का टाइम नहीं से। अच्छा तेरे इसे करवा दे ना तो कदे हुए ना कदे हो, ना कदे हो। अच्छे मंत्र बोल, अच्छे श्लोक बोल। अच्छा मैं तो मंत्र बोली थोड़ी जी। हाँ थोड़ी मेरी बात सुन। हाँ तो मैं बोलूंगी बोलिए नहीं, मैं बोलूंगी आपका करूं, आपका करूं जो थोड़ा फर्क जाओ तो मैं करूं। और निर्बाद फेरे करवाऊंगा ऐसे घर बसाऊ चल आया भाई, थोड़ी ना अगर समझा तो जरूर। हाँ मंत्र बोल, अच्छे अच्छे श्लोक बोल। ले ला दो फेरे तुम ले ला दो फेरे यो मर जा तो घोर बंधेरे। और निर्बाद ये बद्दुआ मांगने लग गया, फेरे करवाओ फिर तू ये बद्दुआ बता रहे। अच्छे अच्छे मंत्र बोल और बोल। जिब आई मरने की चिट्ठी, जिब मरने की आई चिट्ठी, मरने की आई चिट्ठी घर में होती रोवा पिटी। और निर्बाद ये मंत्र बोलने लग गया भाई, ये मंत्र ले आऊं से लेकिन मेरी बात सुन, थोड़ी बंदा दूर दूर जाना थी हूँ और उन थोड़ी जाना बुलाओ जब आकर पास जाके फिर होंगी। अच्छा अच्छा और बोल मंत्र। जिस पर देखी चढ़ी पर जिस पर देखा आया देवा, जिस पर देखा आया देवा घर में रहा था पानी देवा। निर्बाद ये के मंत्र बोल लिया भाई, ये मंत्र भी नहीं समझा। हाँ भाई साहब तुझे मेरी बात सुन, बंदे का सेवा आ जा जिस टेप पर कोई उम्र वाला घी का आटा डाला, कोई सावला का आटा डाला, हम भाई को भी बोला भी बोल मंत्र। जिस बंदे की चढ़ी बरा, जिस बंदे की चढ़ी बरा पत्थर बरसे सारी रात। निर्बाद मारी बाप ये कुछ करते हैं फिर भी नहीं समझा तो। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान में देखे इतने इतने बड़े मंसूरिया नहीं मांगते। हाँ अरे फैक्ट करके मारा जाए किसी बात का फेर करा कर, ठीक है चल फेरे करवा दे। अच्छा नेंदनी दादो फेरे, नेंदनी दादो फेरे यो मर जा तो और मत तेरे। ऐ निर्बाध जा और ये तेरे फेरे जा बात जा ओए देखो बस जा बस जा बस जा मिठाई आनंद बस तेरे होने लगे।
अब वो क्या काम करता है, फेरे हो लेते हैं और गोरे को लेकर बरात की तैयारी हो जाती है। अब डोला चलता हो जाता है, उसे की चेली अब चंदा से आजादी को छोड़ने के लिए डोली में बैठाने के लिए आती है और जीजा साड़ी की बात होती है, गरीदा स्थान मरते हैं। महाराज पदम सिंह सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? मैं हाँ चंदा की छोटी बहन। छोटी बहन? हाँ फिर तेरी बात जरूर सुनाने, तेरा माना तो क्यों रिश्ता है और बन बदतमीजो। महाराज जीजा साड़ी का नहीं रिश्ता क्या जीजा साड़ा कर। महाराज मेरी बात सुन, मैं तेरे बात समझाने वास्ते आई। के समझावेगी? देखिया नादान सिखने तो नहीं पहल ना करिए। तू बड़ी बड़ेरी से तो तू चाल पड़े। मैं तो एक साखरे का ही, मैं किस तरह चाल दूं? तुम्हारे अंदर तुम्हारे से औलाद निकल जाती है, कुटुंब